माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी शिक्षक। आई एम प्रभावी मिश्रा। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा ना कि अभी मैंने चैप्टर 3 एंड 4 पढ़ाए थे और अब फिर से 3 कैसे? बेटा, अभी तक हम एनसीईआरटी के 2022 एंड 23 वाले एडिशन से पढ़ रहे थे, ठीक है? तो उस बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 5 होता, बट अब आपकी बुक्स चेंज हो गई हैं, तो 23 एंड 24 का जो न्यू एडिशन आया है, तो अब हम उस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसमें कई सारे आपके चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बेटा, वो भले ही आपके क्लास 8 के एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस ना आए, लेकिन आप आगे जो भी एग्जाम दोगे ना, उन सब में आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि हर एग्जाम में उन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप उन्हें भी जरूर पढ़िए क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है? देखिए, हमने जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वो सारी चीजें, कोई भी ऐसी चीज जिसका हमारी लाइफ में कोई भी यूज है, जो हमारी कोई भी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, है ना? आपको याद आ रहा होगा कि रिसोर्सेज हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे मेनली। फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, है ना? सेकेंड था ह्यूमन मेड, जो नेचुरल चीजों को ही मॉडिफाई करके जो हम उसे यूजफुल थिंग्स में चेंज करते हैं, वो होते हैं ह्यूमन मेड, ठीक है? मैन मेड रिसोर्सेज। और ह्यूमन बीइंग खुद भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जो कि हम जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है? कि वो नेचर में कितना अवेलेबल है, इस आधार पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन नेचर, रिसोर्सेज की नेचर में अवेलेबिलिटी के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल, NS का मतलब है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एंड नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है? अब देखिए, मीनिंग समझते हैं। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब जिनकी जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है। और एग्जॉस्टिबल कैसे होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इज लिमिटेड इन नेचर। इन रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है कि बस इतने ही रिसोर्स हैं ये। इनएग्जॉस्टिबल कैसे होते हैं? दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ऐसे जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। अब भाई, कोई भी चीज अनलिमिटेड है तो हम लोग उसका यूज कर रहे हैं तो वो जल्दी खत्म नहीं होगी, है ना? जैसे कि सनलाइट, ऐसा तो है नहीं कि आज अगर हम सारी धूप सेक लें तो कल हमें सनलाइट मिलेगी ही नहीं, वो तो मिलेगी। एयर, ये भी इनएग्जॉस्टिबल है ना? और इधर एग्जॉस्टिबल में दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इन रिसोर्सेज को अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लें, बहुत ज्यादा इनका यूज कर डालें, तो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, है ना? फिर हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड ही है। अब देखिए, ईएक्स है एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? मतलब पास्ट। ईएक्स पास्ट, ठीक है? तो यानी अगर इन रिसोर्सेज को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर ले तो वो एक्स हो जाएंगे, वो हमारे लिए पास्ट हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हैं? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा। इन सबकी जो क्वांटिटी है नेचर में वो लिमिटेड है। अब देखिए, ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, उनको समझाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, ठीक है? आपको 7-7 स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेने, इधर 7 स्टूडेंट्स हैं, इधर 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और उनके हमें 3 ग्रुप्स बनाने हैं। किस तरीके से? सबसे पहले वाली बेंच पे आप ऐसे 3 बेंच लगा लीजिए, ठीक है? पहले वाली बेंच पे सिर्फ एक स्टूडेंट रहेगा,
नेक्स्ट वाली पे टू स्टूडेंट्स, जो थर्ड रो है यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स बिठा दीजिए। तो ये आपके थ्री ग्रुप्स हो गए ना, ठीक है। अब ये आप जो पहली बेंच पे थे इनको आप मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, यानी ये मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन है, इसको मान लीजिए सेकेंड जनरेशन और इसको मान लीजिए थर्ड जनरेशन। सेम काम आपको इधर भी करना है, ये कंपेयर करने के लिए बस, इस साइड के स्टूडेंट्स, ये भी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये मान लीजिए आपके दादी बाबा हैं, ठीक है, और ये आपके मम्मी पापा हैं और ये बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो जनरेशन होती है ना, पीढ़ियां। अब आपको कुछ कंटेनर्स लेने हैं, उनमें आप कुछ भी खाने वाली चीजें, जैसे एक कंटेनर में मान लीजिए आपने टॉफीज रखी हैं, दूसरे में आपने पॉपकॉर्न्स रखे हैं, तीसरे में भुने चने रख लिए, ठीक है। इस तरीके से तीन कंटेनर आपने तैयार कर लिए। अब ये तीनों कंटेनर इस फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चे को दीजिए और आपको एक टाइम फिक्स कर देना है, उस टाइम में इस बच्चे को जितना भी इसमें से खाना है वो खा सकता है। तो आप जल्दी जल्दी ये खाना शुरू करेगा। इस साइड भी आपको सेम चीज करनी है, सेम टाइम पे आप टाइमर लगा दीजिए और इस बच्चे को खाने को दीजिए, वो खाएगा। फिर जब टाइम स्टॉप होगा उसके बाद में आप देखिए उन कंटेनर में कुछ भी बचा है, अगर कुछ भी बचा है तो फिर वो सेकेंड वाली जनरेशन को दीजिए और सेम टाइमर लगा करके दीजिए, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी खा लेंगे। फिर टाइम जब स्टॉप होगा फिर देखिए उन कंटेनर में कुछ बचा है, अगर कुछ बचा है तो वो आप थर्ड जनरेशन वाले बच्चों को दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, अब आप ये देखिए, आप कंपेयर करके देखिए, आप एक टेबल भी बना सकते हैं कि क्या जितना आप वो जो खाने वाली चीजें थी ईटेबल्स, उनको आप रिसोर्स मान लीजिए, ठीक है। अब आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या वो रिसोर्स जितना फर्स्ट जनरेशन को मिला था उतना ही सेकेंड जनरेशन को भी मिला, नहीं ना, सेकेंड जनरेशन तक आते आते वो रिसोर्स कम हो गया। और अगर सेकेंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में कोई बहुत ज्यादा ग्रीडी हुआ, किसी ने उस रिसोर्स को बहुत ज्यादा ईट कर लिया है ना, बहुत ज्यादा अगर किसी ने खा लिया, तो थर्ड जनरेशन के पास आते आते कुछ भी नहीं बचेगा या फिर बहुत ही थोड़ा सा बचेगा, है ना। तो सेम चीज ही होती है, हमारे जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, जैसे कि हमारे पास टॉफीज या पॉपकॉर्न या जो भी चीजें हमने ली थी इनकी क्वांटिटी भी लिमिटेड थी। अब इसी को ही यूज करना है वन बाय वन, ठीक है। इन्हीं रिसोर्सेज का पहले हमारे दादी बाबा ने यूज किया होगा, जो भी रिसोर्सेज है, अब चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, मिनरल्स हो, कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी है, तो उन रिसोर्सेज का पहले हमारे दादी बाबा ने यूज किया, फिर हमारे मदर फादर ने यूज किया, फिर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बहुत ज्यादा उस चीज का यूज कर डालें तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलेगा ना, इसीलिए हमें जो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, जो ये लिमिटेड रिसोर्स है, इनका बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, इन्हें वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। और जो इनएग्जॉस्टिबल है, जिनका जो सोर्स है वो अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि उनको भी हमें मतलब कि ऐसे ही अंधाधुंधी यूज करना चाहिए क्योंकि वो अनलिमिटेड है बेटा, वो भी जैसे अगर हम ज्यादा पोल्यूट करेंगे तो वो रहेंगे तो अनलिमिटेड। अब जैसे वाटर है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दे तो वो हमारे यूज के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा, उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे तो भी वो वेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो जो भी चीजें हैं उनका हमें वाइजली यूज करना चाहिए। अब समझते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नेम से ही लग रहा होगा, ऐसे फ्यूल जो कि फ्यूल मतलब ईंधन, जो भी जिस भी चीज का हम एनर्जी या हीट के लिए यूज करते हैं वो सारे फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल जो फॉसिल से बने हो। अब फॉसिल क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को ही हम फॉसिल कहते हैं, ठीक है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जानवर है या इंसान है या कीड़े मकोड़े हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं, वो जब मर जाते हैं और जमीन के नीचे दब जाते हैं और फिर वो कई सालों बाद में जाकर के वो फॉसिल बन जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है फॉसिल। तो उन फॉसिल्स से जो फ्यूल बनते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। कोल,
पेट्रोलियम नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स फॉसिल्स मिलियंस ऑफ इयर्स एगो। देखिए ये कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये तीनों के तीनों फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हैं, ठीक है, और ये डेड रिमेन्स से बनते। देखिए मैंने यहाँ पे वर का यूज किया है, वर मैंने यहाँ पे आर की जगह पे वर इसलिए लगाया है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ इयर्स एगो आज के नहीं बने हुए हैं, ये इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इनके बनने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर का यूज किया है, ठीक है, और क्योंकि ये फॉसिल्स से बने इसीलिए इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके अंदर जो होता है वो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, इसी को ही हम बर्न करके उसका यूज एनर्जी के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये तीनों फॉसिल फ्यूल हैं, तो अब हम इन्हीं तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कोल, इट इज ब्लैक हार्ड कंबस्टिबल सेडिमेंटरी डिपॉजिट, ठीक है, ये कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, कभी कभी आपको हल्का ब्राउनिश भी दिखाई देगा, और ये हार्ड होता है, ठीक है। कंबस्टिबल मीन्स ये ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, और ये सेडिमेंटरी डिपॉजिट होता है, यानी रॉक्स के नीचे सेडिमेंट हो जाता है, रॉक्स के कई सारे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है जमा हुआ, ठीक है, और ये सेडिमेंटरी रॉक्स ही बना लेता है, उसी से ही हमें कोल मिलता है, और मेनली कंपोज ऑफ कार्बन। ये जो ये कोल होता है ये मेनली किस चीज का बना हुआ होता है, ये मेनली कार्बन का बना हुआ होता है। अब हम इसके यूज देख लेते हैं, यूजेस ये सब कोल के यूज मैं बता रही हूँ, आप ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख लीजिए। एज फ्यूल टू कुक फूड, अब तो नहीं, अब तो उज्ज्वला योजना के बाद में लगभग हर घर में सिलेंडर हो गए हैं, गैस सिलेंडर हो गए हैं, लेकिन पहले इसका खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था, कोयले की अंगीठी जलाई जाती थी आपको पता ही है, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल का फ्यूल की तरीके से यूज किया जाता है, वो जो मोटर होता है उसको रोटेट करने के लिए, ठीक है। एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, जैसे आयरन इंडस्ट्री होती है और जो मशीनरी बनाने वाली, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे जो फ्यूल यूज किया जाता है वो होता है कोयला। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन, अब तो डीजल से चलने वाले इंजन आ गए हैं, लेकिन पहले जो रेलवे इंजन होते थे वो कोयले से चलते थे, आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा, जैसे शोले मूवी में दिखाया है, तो कोयला डाला जाता था, उससे जो भाप जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी उसी की हेल्प से वो इंजन रन करते थे। आप सब ये तो जानते ही हैं कि जो स्टीम में जो एनर्जी होती है इतनी ज्यादा कि उससे इंजन रन कर सकता है, तो ये चीज किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी, जेम्स वॉट ने, इसके बारे में हम जानते ही हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये जो ये कोल है इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। बेटा देखिए कोल और पेट्रोलियम प्रोसेस लगभग सेम ही है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस फर्क इतना है कि ये जो ये कोल है वो जो धरती पे कभी वेजिटेशन या फिर जो एनिमल्स पाए जाते थे उनके मरने से बना है कई सालों पहले, और वो जो वो पेट्रोलियम है वो सी बेड में जो समुद्र जहां पे पाया जाता था उसकी तलहटी में जो डेड ऑर्गेनिज्म के मरने से उनके डिपोजिशन से बना है, ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है। तो चलिए मैं प्रोसेस समझाती हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी। लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो जो लो एरियाज थे धरती पे, जो लो एरियाज जो वेटलैंड्स थे, तो वहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते थे, उनमें एक बहुत वाइड वैरायटी पाई जाती थी प्लांट्स की एनिमल्स की। ये मेरी आर्ट नहीं अच्छी है, आप कोई भी, मतलब मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एनिमल्स और फॉरेस्ट प्लांट्स वो सारे ही लोग थे जो कि 300 मिलियन ईयर्स है वो वहां पे थे। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जैसे ये ऑर्गेनिज्म है ये मरे और ये जो ये प्लांट्स है इनकी लीव्स वगैरह गिरी तो वो सब जमीन में ही गिरी। फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जैसे कि वहां पे बाढ़ आ गई,
तो ये जितने भी ये ऑर्गेनिज्म थे ये सब मिट्टी के नीचे दब गए, और धीरे धीरे इनके ऊपर अब जैसे बाढ़ आई है, ये पानी आया है, तो वो अपने साथ में मिट्टी को भी बहा करके लाएगा, तो वो सब मिट्टी, सैंड, सिल्ट, वो सब इसके ऊपर जमती गई और ये बहुत ही नीचे मिट्टी के नीचे दब गए। इसके ऊपर लेयर बाय लेयर दबती चली गई और उसके ऊपर पानी भी था। ये देखिए, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये नीचे दब गए हैं, इनके ऊपर ये डर्ट है, यानी मिट्टी की पूरी एक लेयर बन गई है और ये बहुत नीचे दब गए हैं। कहाँ ये सबसे ऊपर थे, अब ये नीचे हो गए। उसके ऊपर पानी भी आया तो ये जो ये मिट्टी की लेयर थी ये और मजबूत हो गई। इसके अंदर से यहाँ पे मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, और जब लेयर बाय लेयर बनती चली गई तो प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो गई है ना। ऐसा लगभग 100 मिलियन ईयर्स है वो हुआ, ऑक्सीजन की एकदम कमी हो गई। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कई कई सारे साल गुजरते चले गए, और उस हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में ये जो ये डेड ऑर्गेनिज्म थे, जो प्लांट्स थे, वेजिटेशन थी, वो धीरे धीरे कोल में चेंज हो गए, ठीक है। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बहुत साल लगे ये होने में। ये एकदम ब्लैक कलर का, बहुत डार्क ब्लैक कलर का ये कोल बन गया धीरे धीरे, और इसके ऊपर ये जो ये मिट्टी जमती चली गई थी और पानी से और ज्यादा सॉलिड होती चली गई थी, वो रॉक्स बन गई, रॉक हो गई, सॉइल हो गई। और जब भाई कहीं भी सॉइल बन जाती है तो उसके ऊपर फिर पेड़ वगैरह उगने लगते हैं, तो ये उसके ऊपर फिर से पेड़ वगैरह उगने लगे और इनके ऊपर जानवर भी रहने लगे, तो वो फिर से ही मतलब हरे भरे हो गए। लेकिन हमारी जब हम जमीन खोदते हैं तो मिट्टी की कई सारी परतों के नीचे वही वो जो कोल बन गए थे, जो जो 300 मिलियन ईयर्स एगो पूरा एक डेंस फॉरेस्ट था, वो पूरा कोल में बदल गया, ठीक है, कोल डिपॉजिट्स में। अब देखिए, यही सेम प्रोसेस आपको मैं फिगर भी दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि ये स्वैम्प एरिया है। स्वैम्प मीन्स दलदल, वो जो वो लो वेटलैंड थे वो दलदली एरिया था, और इसीलिए वहां पे बहुत डेंस फॉरेस्ट पाए जाते थे, कई डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन भी होती थी और डिफरेंट एनिमल्स भी होते थे, ठीक है। फिर लगभग 300 मिलियन ईयर्स है वो था। फिर क्या हुआ, लगभग 100 मिलियन ईयर्स है वो ये पेड़ वगैरह गिरे और जमीन के नीचे दब गए हैं, है ना, और ये बाढ़ वगैरह आई है, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स आई हैं, उसकी वजह से पूरा ये जो ये जंगल था ये तबाह हो गया और ये मिट्टी के नीचे दबता चला गया। उसके ऊपर मिट्टी की कई लेयर्स जमती चली गई, पानी भी आया जिसने उन लेयर्स को और ज्यादा मजबूत कर दिया, रॉक्स में बदल दिया, है ना, और वो जितने भी वेजिटेशन थे, जो भी एनिमल्स थे, वो सब नीचे और नीचे दबते चले गए। नीचे जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था, जिसकी वजह से अब आप इधर देखिए, उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो कोल में बदल गए, एकदम ब्लैक कलर के सॉलिड हो गए, ठीक है, वो कोल में बदल गए। इनमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इसके ऊपर वो जो वो सॉइल की लेयर्स चढ़ती चली गई थी वो मजबूत होती चली गई और वो रॉक्स बन गई, ठीक है, और उसके ऊपर कई सारी लेयर्स के ऊपर फिर से न्यू वेजिटेशन आ गई। यही प्रोसेस था। इस फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे सेम चीज दिखाई है, ये डेंस फॉरेस्ट है और ये जैसे नेचुरल डिजास्टर हुई इन सारी चीजों की वजह से, लेयर बाय लेयर वो चीजें नीचे दबती चली गई मर करके, वो फॉसिल बनती चली गई, और ऊपर लेयर बाय लेयर जमीन और बनती चली गई, फिर ऊपर ये देखिए वेजिटेशन, न्यू वेजिटेशन आ गई, और वो नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोल में चेंज हो गए। देखिए, हमने ये प्रोसेस समझी कि कोल कैसे बनता है ना, तो ये जो ये कोल फॉर्मेशन की प्रोसेस है इसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये जो ये कोल है या पेट्रोलियम होता है, इनमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बनते हैं ना, जमीन की लेयर्स के बहुत नीचे, इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इनके बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और देखिए, ये जो ये कोल है ना, इसे निकालने के लिए, अब ये तो कई सारी लेयर्स के नीचे है जमीन के, तो इसे निकालने के लिए इनकी माइनिंग की जाती है, ठीक है, जिसे हम कोल माइनिंग कहते हैं। तो कई जगह पे कोल फील्ड्स हैं, जैसे कि इंडिया में
जो सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है वो है रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज कोल फील्ड सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कोल माइनिंग के लिए कोल फील्ड है। और तो लार्जेस्ट कोल फील्ड है इंडिया में छत्तीसगढ़ में। और सबसे ज्यादा इंडिया में जो नंबर वन पे है कोल माइनिंग के लिए फेमस स्टेट है वो है झारखंड, वहां पे भी कोल माइनिंग की जाती है। तो ये कुछ मैंने स्टेट्स बताए इंडिया के जहाँ पे कोल माइनिंग होती है। कोल हमने देखा कि जमीन के बहुत नीचे होता है ना, तो उसे जमीन से निकालते हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम कोल माइनिंग कहते हैं।